रमजान से पहले तक ना मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा एक्ने थी, इवन कभी कभी आप लोग वीडियोस अगर देखते ना आइस वाली मेरे माथे पे भी निकल आती थी। मेरा ट्राई टेस्टेड टूट गया जो मैं एक माह से अपने लिए कर रही थी क्योंकि मेरी एक्ने बहुत ज्यादा है आपको पता है। डो भी मैं घर में बनाने वाली हूँ, मजे की बात। ये लहसुन पाउडर चाहिए था नेशनल का लिया है। ओके जी, ये वीडियो क्लिप छोटा सा मेरी एक दोस्त ने मुझे सेंड किया है और साथ में मैसेज लिखा था कि यार तुम्हारी शक्ल ना इससे बहुत ज्यादा मिलती है इसकी जवानी में इसी शक्ल से। मैं मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी ऐसा, लेकिन मैंने वैसे ये क्लिप शेयर कर दिया। अक्सर दुनिया में ना शक्लें दूसरों से मिलती होती हैं। Assalamualaikum guys, welcome back to my daily vlog। अच्छा जी, आज से हम लोग डेली व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग वापस आ गए थे, हमारी अभी तक थकावट जो है नहीं उतरी। आंखों में मेरे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है जी जी जी। और घर आते ही हमारे काम स्टार्ट हो गए हैं, पूरा वीक हम फ्री रहे हैं और मेरा जहन ना फ्री रहने से थकता है। मतलब मुझे काम करने की थोड़ी आदत हो गई है, वीडियोस बनाने की, अपने काम का उसको एडिट करने की, काम में लगे रहने की, तो वहाँ पे फ्री रहना एक वीक ऐसे अजाब नजर आ रहा था। अभी घर आए हैं थोड़ी सी रूटीन जी। भाई हम जूता घुमा बैठे हैं, जो ये जूता दो उसको बनाओ। एक जूता का पेयर हमने घुमा दिया, बल्ला जाने वो किधर गया कोई समझ नहीं आया। गिरा भाई जी जी, किधर जी, किधर किधर, ये देखे कितना प्यारा ये करता है। फन कैसे ये, अभी मैं जरा बाहर निकली हूँ, बच्चे की कटिंग करवानी थी और भी काम है था जी। फन जूता पहन ऐसे करके दिखो ये। शाम का मैंने वीडियो देखा था स्लिम होने के लिए कॉफी प्लस लीमू का। लीमू इतने महंगे, 1000 रुपए का किलो है लीमू, और मैंने एक लीमू लिया 30 रुपए का। एक ही यूज होना क्योंकि वो खराब हो जाता है पड़ा पड़ा, तो मैंने कहा अंकल एक ही दे दे ये, क्योंकि आज दिखाओ 30 रुपए का एक लीमू दिखा मैं भी। और अब दुआ करें इसमें रास नहीं निकला है, पूरे रमजान जो लीमू हमारे घर आया ना उसके अंदर रास नहीं होता था, पता नहीं सुबह देखेंगे सुबह पियेंगे। चलो क्या सुन रहे हैं अफान, आप क्या सुन रहे हो अफान भाई? गाड़ियों वाला देखता रहता वीडियो। गाड़ी किधर जा रही है, गाड़ी किधर जा रही है, वो फेवरेट गाड़ियां। आये हाय अफान ये क्या देखते रहते हो आप, बड़ी अच्छी लगता है आपको ये गाड़ियों वाला, बहुत अच्छा लगता है। ओए हो गाड़ी फेवरेट है अफान की, गाड़ियां फेवरेट। बिल्ली आज बिल्ली के इन सबके बाल भी कटिंग करवाने हैं, बच्चों को मैं लेकर जाती हूँ उनके हाल तक। हाँ गर्मी आ गई ना, बालों की सेटिंग करा के लाते हैं। पाली पालिशी पाली पालिशी पाली पालिशी आनी इस कमेंट करके बताएं कि इस बॉय के हम अच्छा सॉरी पीछे हो गई कटिंग करवाएं या ना करवाएं। वैसे हमने नहीं करवानी, हम बड़े ही कर रहे हैं, जब ज्यादा बड़े हो जाएंगे ना फिर पीछे हम पानी डालेंगे। ये फान अब ज्यादा पप्पू पप्पू से पप्पू को मैंने खो जाने पप्पे को हमारा थोड़ी सी शक्ल निकल आई है, हमने सफाई थोड़ी सुथराई, दो दफा सफाई हो गई है, लेकिन अभी मेरा दिल है अभी हमने बैग नहीं खोले। मैंने कहा घर एकदम अच्छे से साफ हो जाए ना, बैगों की हालत देखें जरा चेक करें। बैग तब भी खोलूंगी क्योंकि अभी और कपड़े इतने धोने वाले हैं, पहले वो धुल जाएं फिर ये बैग खोल के इनके कपड़े धोएंगे। तो बच्चों के लिए बस मैं नगर थोड़े से बना रही हूँ, और खाने पीने की कोई समझ नहीं आ रही थी पकाने की, तो मैंने कहा बस दाल पका लेते हैं दाल पीली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है और बैग खाने खा के एक हफ्ते से अजीब सा दिल हुआ है। कल मैंने आलू वाले चावल पकाए थे आते ही, और हमें दाल अच्छा मैं ना यहाँ पर क्या करने लगी हूँ कि मेरे पास ना एक यहाँ पे ये मिट्टी का बाउल है, ये मैंने धोने के लिए रखा था, इसमें ना अपने पानी डालना है ठीक है। अच्छा ये मेरा ट्राई टेस्टेड टोटका है जो मैं एक माह से अपने लिए कर रही थी क्योंकि मेरी एक्ने बहुत ज़्यादा है आपको पता है। अक्सर मैं शेयर करती रहती हूँ क्योंकि मेरा ऑयली फेस ऑयली स्किन है, तो लेकिन मैंने एक माह से ये टोटका किया तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 0% में मेरी एक्ने है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने इसका पूरा आपको चीज़ें क्या चाहिए ठीक है। आपको इसके लिए चाहिए आलू बुखारा ठीक है, मैंने इसका एक फिर बॉक्स ही लाया, और इमली दो चीज़ें चाहिए। आलू बुखारा का ये इस तरह से मिल जाता है आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा, आपने 3 से 4 बस लेने हैं, और ये मिट्टी का आपने बाउल लेना ठीक है। ये मिट्टी का प्याला सा ना आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा। ये 4 इसमें आलू बुखारा मैं डालूंगी ठीक है। आपको ये एक माह तक मुसलसल करना है ठीक है, फिर इंशाल्लाह वापस आके कमेंट्स में बताना है आपने मुझे। मैंने पूरे रमज़ान किया है और मेरा स्किन बहुत साफ़ हो गई है, एक्ने आनी बंद हो गई है। और इसके साथ साथ मैंने एक और टोटका किया था, वो बाद में शेयर करूंगी आपके साथ, पहले ये वाला आप स्टार्ट करें जिस जिस की एक्नी है। 4 दाने आलू बुखारा हो गई, ये पैकेट मेरा ख़त्म। अगला जो दूसरा आपने इमली लेनी है ठीक है। अच्छा जो दूसरी इमली डालनी है ना, इसमें इमली पता है कोई सारा पैकेट में आती है, इसको ना जैसे दबा के बस इतना सा एक तकरीबन मैंने 1 चम्मच आप लोगों ने ले लेनी है ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी बस इतनी ले लेनी है। और अभी इन दोनों का ना ओवरनाइट, पहले तो मौसम थोड़ा अच्छा था, अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है तो आपने बाहर नहीं रखना है फ्रिज में रखना है ठीक है। तो ये 4-5 घंटों के लिए इस पर रख के चीनी नहीं डालनी, नमक नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। ये मैं थोड़ी देर रखती हूँ इसको 4-5 घंटे इंशाल्लाह, फिर आप ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, इसका असर सारा पानी में आ जाएगा, फिर आपने ये पानी पी लेना है बस। नहार मुँह पी लो, रात के सोते वक्त पी लो, ज़्यादातर इफेक्टिव है सुबह के टाइम पी लो, एक माह में आपकी एक्ने गायब हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी नगेट्स बस रेडी हो गए, बच्चों को मैं देने लगी हूँ। बच्चा पार्टी कहाँ कर लिया है, ये बच्चा पाती कहाँ कर लिया मेरे। हाँ जी कहाँ खाना आपने फान, आपकी आत्म होगी। उनको मैंने पहले ब्रेड दे, उठो आओ आओ बंसना, ना जो शाह ना जो
जल्दी से आ जाओ बिशू नंबर बाबा। अफान तो गाड़ियां ही लेके बैठा रहता है माशाल्लाह से। आन उठो, बच्चों के स्कूल के लग गए और पेपर्स हो रहे हैं। हाँ जी कहा गाड़ी की, किसकी गाड़ी आई है, गला किसकी गाड़ी आई है, किसकी फान इधर देखो मामा किसकी गाड़ी है, किस ये किसकी गाड़ी है, शुक्र का चलो ये खा लो गरम है ठहरो। किसी दाल मेरी रेडी होगी, मैं तड़का लगा दूँगी उसमें से पटाखे में, मैं इतना डाला एक, मुझे ये सबसे डरावनी चीज़ लगती है इसके लिए। इसमें इसमें मैं कि आओ आज कम है कि तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड इतनी चीज यार, इसमें पटाखे क्यों बाहर आ रहे हैं। मैंने इवन के कुछ चीज़ें हरी मिर्च गीली भी नहीं थी, पता नहीं क्यों इतना पानी आ रहा है, लेकिन मैंने हरी मिर्च की तड़का लगाना है। एक मिनट बेबी बेबी बाय चले जाओ प्लीज़ बाय अफान बाय। ये मेरे साथ अभी तक होता है, हम डर बहुत डर खोपड़ हैं, बस मेरा दिल डाल देती हूँ क्योंकि ज़ीरा और वो तो किड़किड़ तड़तड़ा गए। तो ज़ीरा और ये दाल है मैं दूर दूर से ही बना रही हूँ। ये मेरी दाल रेडी है, इसमें दाल में भी ना मैंने पहले मसाले थोड़े से डाल दिए थे, इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें हम इसमें और डालेंगे। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मैं जरा कैमरा रख ही देना चाहिए इससे पहले कि कोई दिमाग का ही होता है। चले जी खैर है, राफिया से मैंने ये डाल दी है और आपको पता है ये डालते ही फ़ौरन थोड़ी देर ऐसे ढक्कन दे देते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छे से अंदर ही चली जाए। जी जानी कहाँ अच्छी है गले पाले से खा के गंदे बालों वाले, इसको धोने के लिए रख देते हैं। जो ये मेरी गर्म है, पीछे ना पीछे ना उठाओ बर्तन। चलो अभी ना इसमें मैंने थोड़े से मसाले और डालने हैं। ये यम्मी सा हमारा तड़का लग गया, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसके साथ हम बाहर की रोटियाँ लेकर आएँगे, फिर ये मज़े का खाना खाएँगे हम। इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया पिसावा, गरम मसाला और ये डालने वाली हूँ सिनेमन पाउडर और लिम्स का। माशाल्लाह से माशाल्लाह जो दाल की खुशबू आ रही है, जरिए तो खुशबू आनी स्टार्ट हो गया। अब हमसे सब्र नहीं हो रहा, बस हम भाग रहे हैं बाहर से, रोटी लेकर आएंगे वो भी खाएंगे हम इसके साथ। गाइस को भी सुना रहे खुशबू अलहमद। मुझे ना वैसे दाल इतनी पसंद नहीं है, मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने अब बनानी स्टार्ट किया, दालें भी अच्छी होती हैं है ना, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। चलो जी इसका ढक्कन वापस रखते हैं। तो मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को मैंने कटिंग की शॉप में छोड़ा है, वापस अभी आते हैं, हमें मार्ट पे जाना है बच्चों की। जी 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 चले चले ओके। यहाँ पे अफान इतना क्यूट और प्यारा लग रहा था ना, मैंने सिर्फ वीडियो भी बना लिया, मैं कुछ बोल नहीं सकी। मैंने पहली दफा अफान को लाइव कटिंग करते हुए देखा था, और जब हमेशा इसके बाबा लेके जाते थे मुझे बताते थे कि अफान इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा कटिंग करवाते वक्त, तो वाकई देखा कितना क्यूट लग रहा है अफान। ये आप कटिंग करवा लियो, इतना शरीफ बेबी किसके है, इतना हीरो सा बेबी। आय हाय हाय, जैसे भी बस अच्छा। इसकी मैंने ये जी हमारी कटिंग हो गई है, हम शहजादे बन गए हैं, बस अब हम रोटी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास दाल बनी हुई है बड़े मजे की, तो हम लोगों ने लेनी है मांडा रोटी, पता नहीं इसको मांडा कहते हैं, वो जो बारीक वाली रोटी है ना हमारे यहाँ से मिलती है, बारीक बारीक रोटी पकी हुई तवे पे ना, वो बहुत टेस्टी होती है, हम दाल के साथ वो खाने वाले हैं। अफान हीरो ये बटन तो बंद कर लो, सिना मां नहीं तंग करो सिना, मेरा बेटा तो हीरो ही बन गई थी, प्यारी कटिंग अफान माशाल्लाह। बाबा ने तो आज कहा ना कि नहीं ऐसा नहीं ड्रॉ नहीं करो। तो गाइस जो मैंने टोटका शेयर किया ना एक्ने वाला, वो 100% मेरा अपना आजमाया हुआ। यार बच्चे मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रहा यार, सच्ची में इस रमजान से पहले तक ना मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा एक्ने थी, इवन कभी कभी आप लोग वीडियोस अगर देखते ना आइस वाली, मेरे माथे पे भी निकल आती थी बहुत ज्यादा, तो मेरे इस एरिया पे मेरे इस पे ना चिक एरिया पे बहुत ज्यादा एक्ने, इतनी ज्यादा कि अभी भी अब खड्डे हैं, स्कार्स हैं, निशान बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा टोटका कर रही हूँ, लेकिन जब इंशाल्लाह मुझे उससे फर्क पड़ेगा मैं तभी आपको दिखाऊंगी। तो अभी एक्ने निकलना ना जो इतनी स्पीड से आती थी ना, जो मोटे मोटे दाने दर्द वाले निकलते रहते थे, रोज निकलता था, रोज दो तीन मुझे उगते थे दाने, वो मेरे खत्म हो गए। मैंने उसके साथ पूरा माँ बैठ कर जंक नहीं खाया, एक दो दफा मैंने खाया भी या चीट भी किया, लेकिन फिर भी नहीं निकला। नहीं तो मुझे यहाँ से शवरमा खाओ यहाँ से मेरे मुँह पे दाना, इतनी स्पीड से निकलता था, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर आजमाना है कम अज़ कम 1 मंथ तक, ठीक है, नहीं करो बस ये कि आप लोगों ने बाकायदगी से करना है, फिर ही आपको फ़र्क इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टरी ट्रीटमेंट किया है, बड़ा कुछ किया अपने एक्ने के लिए, बड़ा कुछ। और इसके साथ एक और टोटका किया था, वो मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी। ये बताना था कि मैंने स्टार्टिंग में तो डेली 2 टाइम्स पिया वो वाला पानी ना, अभी मुझे तब सर था 1 माह से मेरे एक्ने काफ़ी ठीक हो गई है निकलने, तो मैंने थोड़ा सा गैप लेना स्टार्ट कर दिया, एक दिन पी लेती हूँ एक दिन छोड़ देती हूँ, मैं डेली बेसिस पर नहीं, क्योंकि हर चीज़ ज़्यादा मिकदार में भी आप ओवर ईट ओवर नहीं कर सकते,
तो इस वजह से अभी, लेकिन अगर आपको बहुत सवेर किस्म की एक्नी है ना, फिर तो आप अभी से मुसलसल डेली बेस पे लेना शुरू करो। ये है रोटी, लाइक वो जो बारीक वाली मैं आपको कह रही थी ना, बिल्कुल बारीक बारीक होती है। अभी हमें शॉपर में रखी हुई, सूप बहुत जल्दी जाती है, कट जाती हैं। और दाल हमने बस खाना खाएंगे जल्दी से। ग्रोसरी जो मैंने की थी ना, मैंने कल बनाना है पिज़्ज़ा। यस, मैंने पिज़्ज़े के मुझे बस चढ़ा हुआ, तो मैं उसके लिए सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और मैंने बहुत बहुत ढेर सारी रेसिपीज देखी हैं, एक नहीं देखी क्योंकि मैं एक पे नहीं चलती। फिर मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई फाइनल अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, मैंने कहा था आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, मैंने नताशा वकास का वो जो देखा था ना, क्या कहते हैं, आज वीडियो देखी है स्मार्ट होने वाली, उसके लिए भी चीज़ लेकर आई हूँ, मतलब कॉफ़ी और एक लीमू। आपको मैंने वीडियो में शेयर किया है व्लॉग में, कुछ मैंने कहा ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। यीस्ट है और दो तरह की चीज़ चाहिए थी, लहसुन पाउडर चाहिए था, बस ये जनाब चीज़ें। इंशाल्लाह कल बनेगा मेरे व्लॉग में पिज़्ज़ा। आप लोगों ने मेरे व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना, डेली व्लॉग्स को, ठीक है। पीछे वाले बैकग्राउंड को इग्नोर कर दें तवे को, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारे पास जो पास वाली मार्ट है, इस पर दोनों के दोनों जो हैं ये आदम्स के ही पड़े हुए थे। आदम्स की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, ये चेडर है, इसके साथ मैंने ये बटर ले लिया ज़रा सौ बच्चों के लिए नाश्ते के लिए। यीस्ट बहुत ज़रूरी है। नेस्कैफे की मैंने कॉफ़ी ले लिया, ये तुख मलंगा मुझे चाहिए था, ये भी ले लिया मैंने। ऑरिगैनो आपको ज़रूर चाहिए, और मिक्स हर्ब, इन दोनों में से एक आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है। मैंने दोनों चीज़ें ले लिया क्योंकि मुझे मिल गई थी मिक्स हर्ब और ये ऑरिगैनो, ये पिज़्ज़े की एक स्पेशल चीज़ है। चलो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, बाय बाय, शक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कह दे मामा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें हमारे व्लॉग को, लाइक करें, नो बेबी यार मेरे बच्चे ही ना, व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाय गाइस। अफान बाय बाय कर दो, अफान बाय बाय कर दो, एक दफा बाय बाय कर दो, नहीं करना मैं बंद कर दूं वीडियो जी, बाय बाय कर दो अफान, अफान बाय बाय कर दो, ये चलो बस।